नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक के एक नए अध्याय नाम वाले शब्द के विषय में पढ़ेंगे कि नाम वाले शब्द क्या हैं और व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं कि इस चित्र में कौन कौन सी चीजें हैं। पेड़, नेहा, रमेश, झूला, शालू, गेंद, बल्ला, रस्सी, पौधे, फुटबॉल, तितली, फूल, पत्थर, कूड़ादान। बच्चों, इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। आपको पता है, हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। उन्हें इन नामों से ही जाना जाता है। नाम ही सबकी पहचान होती है। परिभाषा: सभी व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम को नाम वाले शब्द कहते हैं। इन नाम वाले शब्दों को व्याकरण की भाषा में संघ कहते हैं। आइए कुछ और नामों के बारे में जानते हैं। व्यक्तियों के नाम: प्रिया, रवि, अमन, दिव्या, नाना, दादी आदि। वस्तुओं के नाम: पुस्तक, कुर्सी, मेज, टेलीफोन, लोटा, कैंची, रिक्शा आदि। स्थानों के नाम: मंदिर, लाल किला, दिल्ली, मुंबई, अस्पताल आदि। फलों के नाम: सेब, केला, आम, पपीता, लीची आदि। सब्जियों के नाम: आलू, गाजर, मूली, मटर, टमाटर आदि। पशु पक्षियों के नाम: हाथी, शेर, बिल्ली, तोता, मोर, कबूतर आदि। फूलों के नाम: गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली आदि। तो बच्चों, आपने जान लिया ना कि नाम वाले शब्द किसे कहते हैं। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। नाम ही सबकी पहचान होती है। सभी व्यक्तियों तथा स्थानों के नाम को नाम वाले शब्द कहते हैं। इन नाम वाले शब्दों को व्याकरण की भाषा में संज्ञा शब्द कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को हम कल की वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।